छात्रवृत्ति को लेकर बीपीओ के साथ सीआरपी बीआरपी की बैठक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर बीपीओ के साथ सीआरपी बीआरपी की बैठक सीयू प्रणव ऋतुराज ने अपने कार्यालय कक्ष में की बैठक में सभी सीआरपी बीआरपी को अपने अपने पोषक क्षेत्र के विद्यालयों से शत प्रतिशत अध्ययनरत छात्र छात्राओं चात्र के आवेदन ई कल्याण पोर्टल में दो से तीन दिनों के अंदर में एंट्री कराने का निर्देश दिया है उन्होंने बताया कि घाघरा प्रखंड क्षेत्र में संचालित सरकारी विद्यालय में अध्ययन रत्न अठारह छात्रों के छात्रवृत्ति हेतु ई कल्याण पोर्टल में एंट्री कराना है जिसमें 8,500 छात्रों की एंट्री कराई जा चुकी है जबकि सात हजार पांच सौ छात्रों की एंट्री ई कल्याण पोर्टल में सीआरपी बीआरपी तुरंत पी उन्होंने बताया कि 2000 छात्रों का आधार संख्या नहीं होने के कारण उनकी एंट्री नहीं हो सकी है उन्होंने छात्रों के अभिभावकों को शीघ्र ही अपने बच्चों की आधार संख्या बनवाने के लिए प्रखंड क्षेत्र में लगने वाले शिविर में शामिल होकर आधार कार्ड बनवाने का निर्देश भी दिया है इस बैठक में बीपीओ पुष्पा टोपो बीआरपी हीरा लाल महतो सीआरपी अमित केसरी अरविंद कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे घाघरा गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट वेदांता ई एस एल लिमिटेड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर गुड तीन लाख स्थानीय कार्यबल की मदद से ई एस एल ने राज्य की प्रगति में दिया है अपना अप्रतिम योगदान हमारे पहलों के माध्यम से सक्षम और सशक्त बनती हुई जिंदगियां 80 प्रतिशत बेहतर झारखंड आत्मनिर्भर भारत के लिए